हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने माध्यिका के बारे में जानकारी प्राप्त की और माध्यिका की लंबाई निकालना सीखा था। पिछले क्लास तक की ये बात थी जब हम लोगों ने माध्यिका की लंबाई को कोसाइन फॉर्मूला के द्वारा सिद्ध भी किया था और इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि आप स्टार्टिंग से जाके वीडियो को लगातार सीरीज में देख रहे होंगे ताकि ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आप 20 से स्टार्ट करेंगे देखना तो शायद आपको ये बातें ना समझ में आए। तो इतना सा बात रहेगा कि एक सजेशन है कि आप स्टार्टिंग से ही वीडियो को देखें, 20 से बिल्कुल भी ना आए। जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी तो हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करना आरंभ करेंगे। चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए आज का क्लास हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या हेडिंग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। कि जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका बी तथा सीएफ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो एक रिजल्टेंट निकल के आता है। इसी को प्रूफ करना है हमको। 5BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम लोग ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC मीडियन B एंड CF इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, देन 5BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इस बात को हमको प्रूफ करना है। चलिए आइए देखते हैं, इसका पहले अर्थ समझते हैं। कि मान लिया जाए आपने कोई ट्रायंगल फॉर्म किया यहाँ पे, तो ये ABC एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लोगों ने ABC एक ट्रायंगल फॉर्म किया। अब क्या बोला गया कि BE तथा CF एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और दोनों की दोनों माध्यिकाएं हैं। हमने क्या पढ़ा था कि B से E पर अगर कोई माध्यिका खींचा जाता है तो इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये बात आपने पढ़ा है कि BE जो है माध्यिका है और जब भी माध्यिका खींची जाएगी तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो पहला तो ये हो गया बी। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि CF एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर ये माध्यिका यहाँ पे है तो एक CF भी माध्यिका हो गई हमारे पास। ध्यान देंगे आप, CF भी है। मान लेते हैं कि ये G, यानी कि जैसे ही आपने क्या कहा था, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था कि जिस बिंदु पर दो माध्यिकाएं या तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती है उसको हम लोग केंद्रक यानी सेंट्रोइड भी बोलते हैं। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ABC में माध्यिका BE को और CF एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री पे कट कर रही है। ठीक है, और जैसे ही एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है तो क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है उस बारे में हम लोग अब समझते हैं। तो जैसे ही 90 डिग्री पे कट किया तो आपसे पूछा गया क्या, ध्यान से सुनेंगे आप, कि 5BC का स्क्वायर, यानी कि जिस भुजा से हमने माध्यिकाओं दोनों माध्यिका को खींचा है उसका हम स्क्वायर करके 5 से गुणा करेंगे। यानी आप ध्यान से फिर समझेंगे कि जिस माध्यिका से, यहाँ पे जिस भुजा से दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि 5 हो जाएगा और ये भुजा की लंबाई BC, इनका स्क्वायर कर देते हैं। बिल्कुल आसान रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, जो दो अन्य भुजाएं बच गई उनका हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जैसे कौन कौन सी भुजा बची है, तो AB, तो आप लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस ये कौन सी भुजा बच गई, AC, तो आप क्या लिखेंगे यहां से, AC का स्क्वायर। यानी ये रिजल्टेंट आपके सामने आएगा। हो सकता है
कि आपको ये दो माध्यिकाएं ना दिया जाए, कोई और माध्यिका दिया जाए, तो हम कैसे बनाएंगे, किस मीडियन की तरह बात करेंगे। एक बार हम लोग उस बात को भी समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हम यहाँ पर फाउंड करते हैं, फिर से हम इसको मान लेते हैं कि ये एबीसी ट्रायंगल है। इस बार हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि इस बार हमने क्या किया कि इस बार एक तो बी से बी ही खींचा, एक जो माध्यिका था हमारा बी से बी ही खींचा, और दूसरा माध्यिका जो था वो ए से ए डी खींच दिया, और ये एक दूसरे को फिर 90 डिग्री पर कट कर गई, यानी 90 डिग्री का एंगल बना गई है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कट करी, तो हमने क्या कहा था कि जिस भुजा से दोनों माध्यिकाएं खींची गई हैं, ठीक है, जिस भुजा से, तो किस भुजा से खींची गई है, ए बी, तो उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि ए बी का इस बार स्क्वायर होगा, और इस स्क्वायर का कितना गुना, 5 गुना होगा। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो दो अन्य भुजाएं बच गई हैं, वो कौन कौन सी भुजा बची है बताइए आप। ये है एसी का, एसी और बीसी, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये हमारा ये भी चीज सेम टू सेम जाके प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। आगे अगर हम लोग तीसरे ट्रायंगल की बात करें और फिर हम लोग प्रूफ पर चलेंगे, तो हम लोग एक तीसरा फॉर्म करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा आप इसको कि अगर हम यहां से एक बार फिर से आपको तीसरा बात दिखाएं और तीसरी स्थिति को स्पष्ट करें, तो ये लिखा हुआ है ए बी और सी। तो हमने क्या किया, बी सी से यहां पर उठा लिया, फिर उसके बाद ए और बी से उठाया, इस बार ए से ए डी खींचते हैं और इसके बाद सी से सी एफ खींच देते हैं। ये दोनों माध्यिकाओं को हमने खींच लिया है और ये एक 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभक्त करती है, और जैसे ही ये जी यानी 90 डिग्री पर विभक्त करेगी, तो जिस भुजा के द्वारा दोनों माध्यिकाएं खींची हो गई उनका 5 गुना, यानी कि ये भुजा एसी है, तो आपको एसी के स्क्वायर का 5 गुना कर देना है, बाकी जो अन्य भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो जिस भुजा से दोनों माध्यिकाएं खींची गई हैं उनका 5 गुना का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये बातें आपने सीखी हैं। चलिए अब हम इसी बात को आपके सामने में प्रूफ करते हैं कि कैसे इस बात को हम पूरा प्रूफ के मेथड से देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को इस पे आधारित हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी बात समझना है। तो पहली बात तो ये दे देगा कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका बी तथा सी एफ एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है, तो इनमें से कौन सा सत्य है, एक स्टेटमेंट के टाइप में क्वेश्चन दे देगा। तो 5 बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन सेट कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि किस दोनों माध्यिका के द्वारा, उस किस भुजा से दोनों माध्यिकाएं निकली है, उनके स्क्वायर का 5 गुना, बाकी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगी। बस ये तीनों से ज्यादा चीज पूछा नहीं जा सकता है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए हम आइए इस बात को हम प्रूफ करते हैं कि हमारा प्रूफ करने का आधार होगा। एक चीज और, हम लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट इसी मेथड पे पूछा जाना है एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको पूरा चीज सॉल्व करना होगा, इसीलिए आप प्रूफ को अगर ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, बहुत परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से प्रूफ को भी सीखते चलेंगे। हमने एक सीरीज बनाई है जिसके अंतर्गत आपको छोटी छोटी बातों को भी पढ़ा रहा हूँ और एक बड़ी बड़ी जो भी थ्योरम्स हैं उनको साथ लेते हुए क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ करते जा रहे हैं ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो सके। चलिए अब हम इसी बात को प्रूव करते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहां से। इस त्रिभुज का नाम है एबीसी, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि माध्यिका बी, तो सबसे पहले हम माध्यिका ले लेते हैं बी। जैसे ही माध्यिका बताया गया ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। उसके बाद एक दूसरी माध्यिका जो है वो कौन सी है, तो हम लोग एक माध्यिका खींचते हैं सी एफ, ठीक है, और ये जो सी एफ माध्यिका खींचेंगे ये दोनों आपस में बराबर होगी, ये एक बिंदु पर जाके कट कर लेगी, ठीक है, और जो बिंदु कट कर रही है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया क्या कि ये 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है, ये सभी 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ कि आपको बहुत ध्यान से देखना है कि माध्यिकाएं जब 90 डिग्री पे कट करेगी तो हमको ये वाला बात प्रूफ करना है।
अब आप बहुत ध्यान से चलेंगे, एक एक बात को सीखते हुए चलेंगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल बना है, उस दोनों ट्रायंगल को आपको ध्यान देना होगा। तो कौन कौन सा ट्रायंगल बना है, तो आपको ध्यान देना है कि एक तो ट्रायंगल हम लोग चलेंगे किसमें, एफ बी और यहां लिखा हुआ है जी में, दूसरा ट्रायंगल सी जी ई में। ये दो ट्रायंगल है हमारे और इन्हीं दो को हम इसी के आधार पर हम इन बातों को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ट्रायंगल में चल रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि ट्रायंगल हम लोग चल रहे हैं बी एफ जी में। तो ट्रायंगल बी एफ जी में आप बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या क्या यहाँ बनेगा। एक बात और है कि जब हम लोग माध्यिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो ए बी सी यहाँ एक ट्रायंगल बना रहे थे, और जब हम माध्यिकाओं को आपस में मिलाते थे तो ये बात आपको हम सिखा भी चुके हैं, अगर आप नहीं ध्यान दिए हो तो एक बार फिर से सीख लीजिए कि हम जब ये माध्यिकाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इसे केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक का जो काम होता है माध्यिकाओं को दो अनुपात एक में बांटने का काम होता है। ठीक है, अगर हम इसको दो अनुपात एक में बांटेंगे तो आप जानते हैं कि पूरा पूरा तीन हिस्सा बनेगा, और ये दो हिस्सा होगा और ये एक हिस्सा होगा। अब एक बात और कंफ्यूजन रहता है कि इधर तो पता लग जाता है कि ये बड़ा वाला है दो है, ये एक है छोटा है, लेकिन जब हम इधर की ओर खींचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है, शीर्ष से जो निकलेंगी, शीर्ष से निकलते हुए केंद्रक तक जो जाएंगी वो दो होगा, और भुजा तक जो जाएगी वो वन होगा। आप देखिए यहां शीर्ष से जा रही है, इसका अनुपात दो और इसका अनुपात एक। हम आपको बहुत सावधानी से इसलिए समझा दिए क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम समय रहता है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर ये केंद्रक दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे, अगर ये केंद्रक दिया हुआ है तो हमने शीर्ष से यहां तक एक लंबाई खींची है, तो अगर शीर्ष से खींची गई लंबाई है और ये केंद्रक है और ये माध्यिका है तो इसको दो अनुपात एक में बांट देगी, तो अगर हम इसको दो यूनिट मानेंगे तो ये एक यूनिट हो जाएगी। इतना बात से आपको पता है, अगर हम इसको 2x मानेंगे तो ये कितना होगा, x हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहां से माने बी वाले में मान के देखें यहां पे, ठीक है, आप बी वाले में भी मान के देखेंगे, या आपको अगर एक्स वाई ना मानना हो तो आप कुछ भी यहां पर वेरिएबल मान सकते हैं, उससे आप लोग फ्री हैं, आप बहुत आराम से कोई भी वेरिएबल मान के चल सकते हैं। जैसे कि अगर हम मानना चाहें, ध्यान देंगे कि अगर हम मानना चाहें, इसको मानना चाहें कि ये ए रहा होगा, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगर हम इसने बात को, इस पूरे लाइन को हम b मान लेते हैं तो ये कितना होगा, यहां पर ये 3b टोटल होगा और ये जो बनेगा ये 2b बनेगा, क्योंकि अगर हम इसको b मानेंगे तो ये 2b होगा और पूरा कितना होगा, 3b। माध्यिका की पूरी लंबाई 3 यूनिट होगी, इसके अकॉर्डिंग केंद्रक जब लगा हुआ होगा तब। इतना बात आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं, आप देख लीजिए जब कंफ्यूजन हुआ होगा। तो हमने क्या बोला कि शीर्ष से यहां तक की लंबाई 2 होती है, यहाँ 1, तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसको ए माना तो ये 2a, तो पूरी माध्यिका जो हो जाएगी वो 3a हो जाएगी। बस यही बात को आपको ध्यान रखना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। प्रूफ को एक दो बार आप देखेंगे तभी समझ में आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल हमने क्या लिखा है, बी एफ जी में। तो बी एफ जी में बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अगर ये कोई 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पे, ए बी सी हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है ये भी बात। एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि कर्ण का 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये एंगल ले ले तो ये हो जाएगा लंब, और ये यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, और ये एच जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये जो होगा आधार यानी बेस, कुछ इस तरह का बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल टू में होता है। बहुत आसान चीज है, इसको आपको समझने की जरूरत है, तो ये चीज हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, ये 90 डिग्री हो गया तो कुछ त्रिभुज उल्टा नजर आ रहा है, फिर भी हम लोगों को यहां से इस बात को समझना होगा कि अगर ये 90 डिग्री का है
तो इसका मतलब जो एफ बी हो गया इसका कर्ण हो गया और बाकी जो अन्य भुजाएं हो गई ये इसका स्क्वायर बनेगा। तो अब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अगर आप एफ जी को जोड़े, यानी कि आप समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ठीक है, तो एफ जी का स्क्वायर करें प्लस बी जी का स्क्वायर कर दें, प्लस बी जी का अगर आप स्क्वायर कर दें तो जो बराबर हो जाएगा वो कर्ण के स्क्वायर यानी कि एफ बी के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बात आपको बिल्कुल ठीक पता है। अब आप देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ जी का मान है ए, यानी ए का स्क्वायर आएगा, और बी जी, बी जी का मान है बी, टू बी, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू बी का स्क्वायर लिखेंगे। जबकि हमको इधर एफ बी चाहिए नहीं था, तो आप इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना होगा आपको, इस बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमको तो ये एफ बी नहीं चाहिए था, हमको चाहिए क्या कि ए बी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना है कि बी एफ या एफ बी या ए एफ का जो मान होगा वो दोनों क्या इक्वल इक्वल नहीं होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर आप एफ बी का मान निकालना चाहते हैं, एफ बी का मान ए बी में निकालना चाहते हैं, तो ये वन बनेगा, ये भी वन बनेगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का आधा होगा, ठीक है, एफ बी का जो मान होगा पूरा ए बी का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या ए एफ का जो मान होगा पूरा ए बी का आधा होगा। हमको इसकी जानकारी चाहिए थी इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। तो हम एफ बी को क्या लिख सकते हैं, आप भी जानते हैं, ए बी बटा टू का कितना लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये एफ बी का काम हमारे पास नहीं आएगा, तो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर बटा कितना लिख देंगे, फोर लिख देंगे। ये बात आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं हम इसको, ए स्क्वायर प्लस टू बी का स्क्वायर यानी फोर बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, और ए बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, फोर। अब ये समीकरण नंबर हमारा वन कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं, और दूसरे समीकरण में हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए इसके दूसरे ट्रायंगल की ओर हम चल रहे हैं, जो इसका दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा होगा आपको सी जी ई, तो ट्रायंगल अब हम लोग जो चलेंगे वो सी जी ई में चलेंगे, ठीक है, और सी जी ई भी जो ट्रायंगल है जब 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो ये 90 डिग्री का जो एंगल होगा ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, और ये जब समकोण त्रिभुज बनाएगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हाइपोटेनस होगी यानी कर्ण होगी। ये अगर हम इनके दोनों स्क्वायर को आपस में जोड़ देते हैं तो इसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर हम जोड़ दें यहां जी का स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है, जी का स्क्वायर, और यहां जीसी का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो इन जोड़ने के बदले में जो आएगा यहां पर ईसी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और जब ईसी का स्क्वायर आएगा तो अभी हमने आपको सिखाया हमको ईसी नहीं चाहिए, हमको एसी के टर्म में चाहिए, तो आप एसी का जो मान, सॉरी ईसी का जो मान लिख सकते हैं, ईसी का मान क्या होगा, पूरे एसी का आधा होगा, क्योंकि ये माध्यिका है तो आधा ही होना है, तो एसी बटा कितना हो जाएगा, टू। हम इसको बांट देते हैं, जैसे इसको बांटे जैसे इसी तरह से इसको बांट दिए, तो हम यहां पर ईसी के स्क्वायर के बदले एसी का स्क्वायर बटा कितना रख सकते हैं, टू रख सकते हैं। चलिए अब हो गया, अब इसको कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ जी का मान जो दिया हुआ है आप देखेंगे बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जीसी का जो मान दिया है जीसी आप फाइंड आउट करेंगे 2a, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, और ईसी का स्क्वायर जो होगा यहाँ एसी का स्क्वायर बटा 4। हमने थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने ये बात को समझा दिया है, आप उसको देख लेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस ab, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 एंड 2 को हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस 2 सीधा लिख देते हैं, कि हम 1 और 2 को अगर दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 कर दें, तो क्या स्थिति हमारी बनेगी, इस बात को अब हम ध्यान से समझेंगे। हमने बहुत पहले भी समझाया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड जोड़ते हैं, तो पहला समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो इसको और इस वाले को दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस कितना, फोर बी स्क्वायर, प्लस इधर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर,
यही बात बनेगा। इधर से हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर बटा कितना आएगा 4 प्लस ए सी स्क्वायर बटा कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये कंडीशन बनेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके ऊपर। अब इन दोनों समीकरण को जब हम जोड़ ही चुके हैं, ठीक है, इन दोनों समीकरण को जब हम ऐड कर चुके हैं तो अब हमारा क्या यहाँ पे समस्या, अब देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर है यहाँ और 4a² है तो ये कितना बनेगा 5a² बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब आप देखेंगे ध्यान से 5a² बन जाएगा और अगर हम इसको यहां पे अगर हम इसको जोड़ दें तो ये 5b² निकल के आ जाएगा। इधर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बटा में 4 आ जाएगा और आप किसको किसको जोड़ देंगे, ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम निकाल देंगे और भिन्न का जोड़ करेंगे तो इस तरह का मामला आएगा। अब आप बहुत ध्यान से सीखेंगे आगे, हम इसमें से क्या करते हैं कि 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब जैसे ही 5 को कॉमन निकाला तो a² + b² बराबर क्या होगा ab² + ac² बटा कितना आएगा 4। आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इधर का जो राइट हैंड साइड का जो था वो प्रूफ आ चुका है, अब हमको इसी को कन्वर्ट करना है और इसको किस में कन्वर्ट करना है तो bc² में कन्वर्ट करना है। आप बहुत ध्यान से देखिए कि bc² कैसे लाया जा सकता है। बहुत ध्यान से यहाँ देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि ये भी तो 90° का ही होगा क्योंकि 90° पे कट कर रहा है, तो bc² लाने के लिए ध्यान से देखना है कि bc² लाने के लिए हमको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जोड़ना पड़ेगा bg² ये bg² क्योंकि 90° के सामने वाली भुजा कर्ण है, bc² bg² प्लस किसको जोड़ना होगा gc² को जोड़ना होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि bg² जो है वो कितना है 2b, यानी 2b² करेंगे और जब gc² करेंगे तो 2a का आप स्क्वायर करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा 4b² और ये बन जाएगा आपका 4a². इसका अर्थ ये हुआ कि bc² हम तभी लिख सकते हैं जब इधर 4b² और 4a² आ जाए। तो हम लोग यहां से बहुत ध्यान से देखते हैं कि 4 में दोनों लगा हुआ है तो 4 को क्रॉस में अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए लाएंगे तो जब कोष्ठ के अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा 4a² + 4b² बराबर हो जाएगा ab² + ac² बटा कितना 4। बहुत आसान रहा, सॉरी ये 4 तो हम लोग ने गुना कर ही लिया तो 5। अब इसके बदले में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 5bc² लिख सकते हैं और ab² प्लस कितना आ जाएगा ac² तो यही चीज हमको देखिए आपको प्रूफ करना था और इसको हमने बहुत अच्छे से प्रूफ कर लिया है तो बहुत आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी पर हम लोग थोड़ा सा और वाइन करते हैं। तो हम लोग एक चीज क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम इसको थोड़ा सा इसको आप नोट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ चेंज करते हैं थोड़ा। अब हमको इसको निष्कर्ष पर चलना है तो हम फाइनली निष्कर्ष हम लोगों ने क्या देखा इस प्रूफ के अंदर, एक बार मैं फिर उसको लास्ट में रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए कि जैसे हम लोगों ने ये बात पढ़ी क्या कि एक कोई ट्रायंगल है और तीनों को हम साइड में रख के आपके सामने कंपेयर ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमने ABC एक ट्रायंगल लिया, फिर यहाँ भी ABC ट्रायंगल लिया और फिर यहाँ भी हमने ABC ही ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल को पूरा करने के बाद हमने क्या किया, प्रत्येक दो दो माध्यिकाएं लेकर चले। तो पहले वाले कंडीशन में हमने BE को लिया माध्यिका और फिर किसको लिया CF को लिया, ठीक है। इस बार हमने माध्यिका चेंज कर दिया A से AD और फिर B से क्या हो जाएगा BE। जब हम लोगों ने A से AD लेना ही था तो BE को एक बार ना लेके एक बार माध्यिका CF को कंक्लूड कर गए। यहां तक बात पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों अलग अलग फिगर्स हैं, आपको समझ में आ रहा होगा तो निष्कर्ष क्या होगा। जब तक ये बात नहीं बोला जाए कि ये 90° पे कट करती हैं तब तक आप इस समीकरण को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे इसका समीकरण पूछा जाएगा तो हमने क्या बताया आपको ध्यान रखने का तरीका कि जिस भुजा से दोनों माध्यिकाएं खींची गई होंगी उसका स्क्वायर कर लेना है पहले और उसके स्क्वायर का क्या कर लेना है 5 गुना। बाकी क्या करना है, अन्य जो दो भुजाएं बच गई यानी AB का स्क्वायर
प्लस एसी का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां से कि अब इस वाले भुजा यानी कि एबी के भुजा से देखते हैं हम लोग। तो एबी का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं, यहां पर इसी माध्यिका इसी भुजा से दो माध्यिकाएं खींची गई है, तो हम इसका क्या कर देंगे, पांच गुना। ठीक है, और जब पांच गुना करेंगे तो एसी का स्क्वायर और दूसरा जो बचेगा वो बीसी का स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जब हम यहां से एक माध्यिका खींचेंगे तो आपको ये पता करना है कि एसी से ही दोनों माध्यिकाएं बनी है, तो हम एसी का पांच गुना कर देंगे, तो ये एसी का पांच गुना का स्क्वायर, जो अन्य दो भुजाएं बच गई एबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, हम इसको फाइनली जोड़ देंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट तीनों ट्राइंगल के आधार पर और तीनों माध्यिकाओं के आधार पर ये कंडीशन आ गया। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आप ये चीज पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग आज एक पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप ध्यान से लिखेंगे कि एक त्रिभुज एबीसी में बी तथा सीएफ एक दूसरे को समकोण पर काटती है, भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करें यदि एबी बराबर 19 तथा एसी बराबर 22 हो। आगे इन अ ट्रायंगल, इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी मीडियन बीई एंड सीएफ इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, फाइंड बीसी इफ एबी इक्वल टू 19 एंड एसी इक्वल टू 22। ऑप्शन आपके सामने दिया गया था 10, 11, 12 और डी में क्या था 13। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों को ये क्वेश्चन आए तो हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फिगर का निर्माण करते हैं हम लोग। हम लोगों ने एक ट्रायंगल खींचा एबीसी, ठीक है, एबीसी में बी तथा सीएफ। तो यहां से एक हम लोगों ने माध्यिका दिया बी तथा यहां से एक माध्यिका मिलाया कौन सा, सीएफ। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। जैसे ही ये बात बोल दिया गया तो आपके दिमाग में अब ये चीज चल जाना चाहिए कि 90 डिग्री पे कट कर रही है। एबी का मान पूरा दे दिया गया कि 19 है और एसी का जो मान दिया गया वो 22 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे फाइंड करें बीसी का मान। तो आप लोगों को ये पता है कि बीसी का स्क्वायर निकालना है और जैसे ही ये 90 डिग्री पे कट किया यानी कि इसका स्क्वायर का पांच गुना, जिससे दोनों माध्यिकाएं निकली हैं, तो यानी 5 बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर का योग, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। चलिए अब 5 बीसी के स्क्वायर को हम इसी तरह से रख देते हैं। एबी का जब स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, और जब आप 19 का स्क्वायर कर देंगे तो 19 का स्क्वायर आपको आएगा कितना, 361। ठीक है, और एसी का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो आएगा आपका 484। अब हम जोड़ देते हैं यहां से कितना आना चाहिए, तो 4 × 1 = 5, 8 × 6 = 14, 4 आ जाएगा, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 845 5 बीसी का स्क्वायर आ जाएगा। 5 से जब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 × 5 = 80 और 9 × 5 = 45, तो बीसी का जो स्क्वायर आएगा 169। तो बीसी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप जानते हैं 100 रूट अंडर में आ जाता है और फिर 13 इसका आंसर दिखाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पे चलते हैं।
लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी में बी तथा सी एफ एक दूसरे को समकोण पर काटती है। भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करें यदि ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर तथा जो है ए सी 12 सेंटीमीटर हो। ऐसा दिया गया है और ऑप्शन भी आपका इस तरह से है कि 2√5 बी में है, 3√5 सी में है, 4√5 और डी में आपका होगा 6√5। चलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन था, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जल्दी से ए बी सी जिसका नाम है और यहाँ के बाद बी तथा सी एफ यानी बी से बी और तथा सी से सी एफ समकोण पर एक दूसरे को काटी है। जैसे ही समकोण पर की बात हुई यानी कि इसका स्क्वायर का 5 गुना यानी 5 BC का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हम लोग लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ए बी का मान 9 है, 9 का 81 हो जाएगा और ए सी का मान है 12 तो 144 हो जाएगा। तो 4 × 5 निकलेगा यहाँ से, 8 × 4 = 12 और ये 225 आएगा। तो 5 BC का स्क्वायर जो होगा वो 225 है। जब हम इसको काटेंगे तो 45 बार में ये कंटिन्यू कट जाएगा और 45 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि BC का रूट अंडर 45 निकालेंगे तो ये आता है 9 × 5 = 45। इसको तोड़ देंगे 9 × 5 तो 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा और √5 इसका कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 3√5 होगा। हमने आपको थ्योरम भी बताया और 2 क्वेश्चंस भी आपको समझा दिया है इस वाले सेक्शन में और इस वाले वीडियो में हमने थ्योरम को भी समाप्त कर लिया और आगे कुछ क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस पर प्रैक्टिस जो होगा और भी 4-5 क्वेश्चन हम करा देंगे तो क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो इसके बाद आपको मिलने वाला है जो कि आप ध्यान रखेंगे। चलिए आप अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। तब तक अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।